भारतीय सिनेमा को बैंडिट क्वीन जैसी दमदार फिल्म देने वाली सीमा विश्वास का आज 53वां जन्मदिन है। 14 जनवरी 1965 को सीमा विश्वास का जन्म असम के नलबाड़ी में हुआ था और आज हम आपको सीमा विश्वास के जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं और घटनाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो कभी भी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। उन्होंने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह लॉ करेंगी। सीमा के पिता ने बड़ी मुश्किल से उन्हें एनएसडी भेजा था क्योंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। बैंडिट क्वीन के निर्देशक शेखर कपूर को सीमा का अनप्रोफेशनल पोर्टफोलियो काफी पसंद आया था, जिसके बाद उन्होंने सीमा को बैंडिट क्वीन के लिए चुना और यहीं से शुरू हुआ उनके बैंडिट क्वीन का सफर। 1994 में सीमा पहली बार फिल्म बैंडिट क्वीन से दुनिया के सामने आई। इस फिल्म में सीमा ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की थी कि आज तक लोग उनके किरदार को नहीं भूल पाए हैं। आज भी लोग उन्हें फूलन देवी के नाम से जानते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके साथ ही सीमा ने यह भी खुलासा किया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर और कैमरामैन के अलावा किसी को भी अंदर आना मना था। फिल्म में न्यूड सीन के कारण उन्हें रात रात भर रोना पड़ा था।